नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले रॉ मटेरियल हमें गिवन है जो कि है 66,000। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का फिलहाल कोई चक्कर नहीं है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल से ही शुरुआत करेंगे और इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड माना जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया इसका मतलब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने कर दिया जो कि है 66,000। इसके बाद हमें प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है, ऐड कर लेते हैं इसमें प्रोडक्टिव वेजेस जिसकी वैल्यू है ₹70,000। वेजेस ऐड करने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है वो है ₹6,000। कोई इसके अंदर हमने खर्चा कोई फ्रेट वगैरह पे तो नहीं किया, नहीं फ्रेट वगैरह के ऊपर हमारा कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ है, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या आ जाएगी हमारे पास, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, और अगर इन सबको ऐड करें तो 66,000 और 70,000 और 6,000 1,42,000 वैल्यू आ गई है। अब कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, अब सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, पहले फैक्ट्री के, फिर ऑफिस के, और लास्ट में शोरूम के। तब इसमें ऐड करना शुरू करते हैं, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री से रिलेटेड सभी खर्चे लिखेंगे। सबसे पहले फैक्ट्री की लाइटिंग है, यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट्री लाइटिंग। आप डायरेक्ट फिगर बाहर भी डाल सकते हैं, लेकिन अंदर डालने से एडवांटेज ये है कि कभी उसने फैक्ट्री ओवरहेड पूछे होंगे तो हमें अलग से भी पता चल जाएगा, बाहर डालने पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्ट्री लाइटिंग हमारी कितनी है इसमें, 4,400। नेक्स्ट इसके बाद इसमें फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री के एक्सपेंस सारे ले लें हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री हीटिंग। फैक्ट्री हीटिंग में हमारा ₹3,000 स्पेंड हो गया। आगे मोटिव पावर, मशीन को चलाने में जो बिजली लगती है वो है मोटिव पावर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे है ₹8,800। मोटिव पावर के बाद है हॉलेज, हॉलेज भी हमारी फैक्ट्री की रिपेयर ही होती है, हॉलेज के ऊपर हमारा खर्चा हुआ है ₹6,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, तीन डेप्शन है, डेप्शन ऑन प्लांट है, डेप्शन ऑन ऑफिस बिल्डिंग है, और डेप्शन ऑन डिलीवरी वैन है। सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ही यहाँ पे ले पाएंगे, फैक्ट्री का जो यही है खर्चा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे है ₹4,000। बाकी ऑफिस का, ऑफिस में डिलीवरी वैन का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे। बैड डेट सेल्स के कनेक्टेड एक्सपेंस है, इसलिए ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। डायरेक्टर फीस वैसे ऑफिस में आते हैं लेकिन ब्रैकेट में लिखा है वर्क्स, माने ये फैक्ट्री का मैनेजर है, तो इसलिए यहाँ पे ले लेंगे वर्क्स मैनेजर्स फीस, और वर्क्स मैनेजर की फीस है ₹2,000। आगे इसमें अनप्रोडक्टिव वेजेस, एक होती है प्रोडक्टिव वेजेस जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एक होती है अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब वो प्रोडक्शन नहीं करती लेकिन वेजेस जो वर्ड है वो फैक्ट्री से कनेक्टेड है, मतलब ये सुपरवाइजर वगैरह लोग होंगे, तो यहाँ पे लिखने वाले हम अनप्रोडक्टिव वेजेस। अगर सैलरी लिखा होता तो मैं ऑफिस से कनेक्ट करता है इसको, लेकिन वेजेस वर्ड ही फैक्ट्री से कनेक्टेड है, चाहे वो प्रोडक्टिव है और चाहे वो अनप्रोडक्टिव है। तो ₹21,000 की ये सुपरविजन वगैरह होगी। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है ₹15,000। सिर्फ रेंट या टैक्स होता तो मैं इसे ऑफिस से कनेक्ट कर देता, लोग जनरली फैक्ट्री अपनी रखते हैं, ऑफिस वगैरह किसी पॉश एरिया में किसी कमर्शियल लोकेशन के अंदर रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। डायरेक्टर की फीस, ऑफिस का डायरेक्टर इसलिए ऑफिस में आएगा। फैक्ट्री की क्लीनिंग यहाँ पे आएगी, फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग में हमारा खर्चा हुआ है ₹1,000। मेरे ख्याल से काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो रहा है कौन सा खर्चा फैक्ट्री से है, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें। उसके बाद है सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस में आएगा, ऑफिस की स्टेशनरी भी ऑफिस में आएगी। फिर फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के सभी खर्चे डालने में फैक्ट्री इंश्योरेंस, और फैक्ट्री इंश्योरेंस में हमारा लगा है 1,100। एक चीज़ आप देख लेना, नोटिस कर लेना कि मैं कहीं पे ये नहीं रहा कि कौन फैक्ट्री का मेटेरियल है, कौन फैक्ट्री की लेबर है, और फोर कौन फैक्ट्री का एक्सपेंस है, सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद ऑफिस का इंश्योरेंस तो ऑफिस में आएगा, लीगल एक्सपेंस हमारे ऑफिस में आएंगे, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, अपकीप माने देखभाल करना डिलीवरी वैन की, मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, ये शोरूम से जुड़ा खर्चा है, डिलीवरी का काम शोरूम का काम है। बैंक चार्जेस ऑफिस से जुड़ा खर्चा माना जाएगा, ऑफिशियल वर्क है ये। सेल्समैन का कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लिखा है लूज टूल्स रिटन ऑफ, टूल्स का इस्तेमाल तो फैक्ट्री में होता है इसलिए जो लूज टूल्स रिटन ऑफ है वो यहीं पे लिखेंगे, लूज टूल्स रिटन ऑफ की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें वो है ₹1,200।
नेक्स्ट इसके अंदर है रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस का खर्चा, वाटर सप्लाई, वाटर जो है हमें बॉयलर वगैरह के लिए चाहिए होता है ये मान के चलते हैं, तो वाटर सप्लाई भी यहाँ पे ले लेंगे, और वाटर सप्लाई यहाँ पे 2400। नेक्स्ट इसके बाद है रेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस हमारा गोदाम होता है जहाँ पे हम सामान बेचने से पहले रखते हैं, सेलिंग में आएगा। एस्टिमेटिंग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग एक्सपेंस हमारे अकाउंटिंग एक्सपेंस हैं जो कि फैक्ट्री से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री में लेंगे इसे, फैक्ट्री स्टेशनरी, सिर्फ स्टेशनरी लिखा होता तो हम इसे ऑफिस में ले जाते, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है फैक्ट्री स्टेशनरी, तो फैक्ट्री में ले लेंगे 1500 रुपये। उसके बाद अगले जो एक्सपेंस इसमें है सेल्स मैनेजर कमीशन है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इतने सारे खर्चे हमारे हुए ले जो फैक्ट्री से कनेक्टेड थे, इनको ऐड कर लेते हैं। 4400 है, उसके बाद 3000 है, 8800 है, 6 and 4 10000 हो जाती है अगली एंट्री का टोटल, और उसके बाद फिर 23000 नेक्स्ट टू एंट्रीज़ का टोटल हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद इसमें 15000 है, फिर 2100 अगली दो एंट्री का टोटल है, नेक्स्ट उसके बाद इसके अंदर 1200 है, और उसके बाद 2400 है, और उसके बाद 3100 बाकी की एंट्री का टोटल होगा, तो 73000 यहाँ पे आ गया। अगर ये 73000 142000 में ऐड कर लूँ तो 215000 ही वैल्यू आएगी। मैंने आपको करेक्शन करा दी थी, 215000 हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी, इसे वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जहाँ पे ये फैक्ट्री कॉस्ट हमारी निकली है वही आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे जी फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ गई थी, और फैक्ट्री कॉस्ट हमारी 215000 थी। अब क्या करना है, अब इसमें मैं ऐड करने अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कौन से हैं हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कहाँ तक इसमें खर्चे ले लिए थे। हमने शुरू के सारे खर्चे ले लिए थे, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन था वहाँ से ऑफिस के खर्चे आना शुरू हुए थे, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग से शुरुआत होगी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, और ऑफिस बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन लगा था वो 2000 लगा था। आगे इसके बाद फिर हमारा अगला जो खर्चा था इसके अंदर वो अगले पेज के ऊपर डायरेक्टर की फीस था, ऑफिस डायरेक्टर फीस, बाकी सेलिंग के खर्चे हैं फर्स्ट साइड में, सेकंड साइड में हमारा ये ऑफिस डायरेक्टर फीस 4000, ठीक है। एक इसके अंदर आगे इसके अंदर देखेंगे तो सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस आएगा, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस हमारे 400 रुपीज के, ऑफिस की स्टेशनरी आएगी, ऑफिस स्टेशनरी जो कि 1800 रुपीज की है। उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस था, फिर ऑफिस का इंश्योरेंस था, ऑफिस का इंश्योरेंस आएगा ऑफिस में, ऑफिस का इंश्योरेंस है ₹1000। ऑफिस के बाद लीगल चार्जेस भी यहीं पे आएंगे, लीगल चार्जेस की वैल्यू है ₹800। लीगल चार्जेस के बाद अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बैंक चार्जेस यहाँ पे आएंगे, बैंकिंग वर्क भी ऑफिस का ही वर्क माना जाता है जो कि है ₹100। आगे इसके बाद सेल्समैन है सेलिंग में है, रेंट एंड टैक्स ऑफिस का आएगा यहाँ पे, रेंट एंड टैक्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऑफिस का, या ऑफिस रेंट एंड टैक्स आप बोल सकते हैं, 1000। उसके बाद फिर इसके अंदर और कोई एक्सपेंस ऐसा नहीं बचता, इसके अंदर सारे फैक्ट्री के या फिर शोरूम के एक्सपेंस हैं, तो इन सबको अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरी ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले तीन एंट्री का टोटल है 6400, उसके बाद अगली दो एंट्री है 2800 रुपये की, और उसके बाद बाकी बचा 1900 रुपये, 11100 यहाँ तक का टोटल होगा, प्लस कल तो 215000 में से 226100 आ जाता है। क्या बोलेंगे, कौन सी कॉस्ट आ गई हमारी, इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे ऑफिस कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। अब इसमें सिर्फ एक टाइप के हमारे एक्सपेंस रह गए, कौन से, शोरूम के एक्सपेंस। इन अभी क्वेश्चन में भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किसी का भी नहीं आ रहा, इसलिए सब हेडिंग नहीं बन रही है, अब हम इसमें लास्ट हेडिंग बनाने वाले हैं जो कि है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या क्या आएगा इसमें, अब शोरूम के सभी खर्चे डालना शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो खर्चा था डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन जो कि कितना था ₹400। नेक्स्ट उसके बाद इसमें बेड डेट्स थे, बेड डेट्स भी सेल से जुड़ा खर्च है,
बैड डेट्स की वैल्यू है 200। बैड डेट्स के बाद एडवर्टाइजमेंट्स रह गए, एडवर्टाइजमेंट्स की वैल्यू है 600। उसके बाद इसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी है, आखिरी एंट्री इसी साइड में, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, और सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी इसमें 2000 रुपीज़ है। अगले पेज के ऊपर इसके अंदर जो पहला खर्चा हमारा आएगा जो शोरूम से जुड़ा हुआ है वो है अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन। ठीक है, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन से पहले जितने भी खर्चे सब ऑफिस और फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन कितना खर्चा डिलीवरी वैन के अपकीप पे हमारा हुआ ₹1400। आगे इसके बाद बैंक चार्जेस, तो ऑफिस का सेल्समैन कमीशन आएगा, सेल्समैन का कमीशन यहाँ पे ₹3000। सेल्समैन के कमीशन लूज टूल तो ऑफ फैक्ट्री में यूज हो चुके हैं, वाटर सप्लाई भी हो चुका है, रेंट ऑफ वेयर हाउस आएगा, रेंट ऑफ वेयर हाउस गोदाम है ये हमारा ₹600। उसके बाद इसके अंदर एस्टिमेशन फैक्ट्री का है, फैक्ट्री स्टेशनरी भी फैक्ट्री का है, सेल्स मैनेजर कमीशन आएगा, सेल्स मैनेजर्स कमीशन जिसकी वैल्यू है ₹1000, इनको भी ऐड कर लेते हैं तो 400 है। उसके बाद अगली दो एंट्री का टोटल 800 है, उसके बाद 3400 अगली दो एंट्री का टोटल है, और 4600 बाकी एंट्री का टोटल है। 9200 रुपये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, 26100 में इसे ऐड कर लूँ तो 26100, 226100 और प्लस इसमें करते हैं 9200, तो वैल्यू आ रही है 235300, 235300। और ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।